क्या आपने कभी आग उगलने वाले हथियार के बारे में सुना है जो दुश्मन को जलाकर राख कर दे और वो आग पानी से भी नहीं बुझे? या फिर ऐसा कोई कांच देखा है जिस पर कितनी ही चोट क्यों ना मारी जाए लेकिन वो टूटता नहीं है? यहाँ बिना मौसम के बारिश हो तो क्या होगा? किसानों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं होगा। तो दोस्तों, शायद आप इन बातों पर विश्वास नहीं करेंगे लेकिन ये सच है। इस दुनिया में कई ऐसे महान आविष्कार हुए हैं जो पूरी दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं, लेकिन ये आविष्कार लोगों के सामने आने से पहले ही कुछ कारणों के चलते विलुप्त हो गए। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही आविष्कारों के बारे में बताएंगे जो कभी इस दुनिया के सामने आ ही नहीं पाए। वैसे अगर हम आविष्कारों का इतिहास देखें तो हमें लगता है कि दुनिया में बड़े बड़े आविष्कार 100 या 150 साल में ही हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पुराने समय में कई बड़े और खतरनाक आविष्कार किए जा चुके हैं। इसमें से ये कुछ आविष्कार ऐसे थे जो पूरी दुनिया में बड़ा बदलाव लाने की ताकत रखते थे, लेकिन इन आविष्कारों के साथ कुछ ऐसा हुआ कि ये हमारे सामने आने से पहले ही इतिहास के पन्नों में खो गए। इन आविष्कारों में सबसे पहले है क्रीक फायर। ये एक प्राचीन सुपर वेपन के रूप में तैयार किया गया था। ये ऐसा हथियार था जिससे आग निकलती थी और इस आग को पानी से भी नहीं बुझाया जा सकता था। इसे प्राचीन रोमन साम्राज्य द्वारा जंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उन दिनों रोमन साम्राज्य काफी फैला हुआ था तो उसके दुश्मन भी बहुत थे जिसके कारण आए दिन युद्ध हुआ करते थे। ऐसे में रोमन साम्राज्य के सिपाही ग्रीक फायर को युद्ध में इस्तेमाल किया करते थे। इस हथियार के जरिए रोमन के सिपाही दुश्मन के जंगी जहाजों में आग लगा देते थे। वहीं ये आग पानी से भी नहीं बुझती थी जिससे दुश्मन को भाग खड़े होने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता था। वहीं रोमन सिपाही के अलावा ये कोई नहीं जानता था कि ग्रीक फायर में किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। हथियार के बनाने का तरीका राजा के खास आदमियों को ही पता था। वो नहीं चाहते थे कि उनके दुश्मनों को इस हथियार के बनाने का तरीका पता चल सके। धीरे धीरे जब रोमन साम्राज्य समाप्त होने लगा तो इस हथियार की तकनीक भी इतिहास के पन्नों में खो गई। स्लो डिजिटल कोडिंग सिस्टम। दोस्तों, आज का जमाना पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। आज फोन, लैपटॉप या दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। इन गैजेट्स को खरीदते समय हम उसकी स्टोरेज क्षमता पर जरूर ध्यान देते हैं, क्योंकि हमें अपने डेटा स्टोरेज के लिए इसकी क्षमता पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। जितनी स्टोरेज क्षमता होगी हमारा उतना ही डेटा स्टोर होगा, लेकिन एक समय बाद ये स्टोरेज क्षमता भर ही जाती है जिसका कोई समाधान भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज से 25 साल पहले इस समस्या का समाधान खोज लिया गया था, जिसके तहत एक 4GB वाले फोन में 128GB वाले डेटा को स्टोर किया जा सकता था। इस तकनीक को 1995 में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जॉन बर्न हार्ड स्लूट ने विकसित किया था। ये नीदरलैंड के रहने वाले थे। ये डेटा शेयरिंग तकनीक थी जो कथित तौर पर आज के किलोबाइट डेटा में एक पूरी डिजिटल मूवी फाइल को स्टोर कर सकती थी। स्लूट की कंपनी ने फिलिप्स कंपनी के सामने इसे पेश किया था, जिसमें उन्होंने 64 KB की ड्राइव के अंदर 8 फिल्म को स्टोर किया। इसके साथ ही उन फिल्मों को चलाकर भी दिखाया गया। जैसे ही स्लूट इस तकनीक को दुनिया के सामने पेश करने वाले थे, वो मौत के मुंह में चले गए। अपने आविष्कार को बेचने के अनुबंध के समापन से कुछ दिन पहले 11 जुलाई 1999 को अचानक दिल का दौरा पड़ने से स्लूट की जान चली गई। वही स्लूट की मौत के साथ ही ये तकनीक भी हमेशा के लिए गुम हो गई। फ्लेक्सिबल कांच। दोस्तों, कांच का इस्तेमाल आजकल पूरी दुनिया में बड़ी मात्रा में किया जाता है। कांच एक ऐसा पदार्थ है जो पारदर्शी होने के साथ साथ काफी खूबसूरत भी होता है, लेकिन ये उतना ही नाजुक होता है। जरा सी चोट लगते ही कांच टूटकर बिखर जाता है। लेकिन दोस्तों, दुनिया के इतिहास में एक ऐसे कांच का भी आविष्कार हुआ था जो कभी नहीं टूट सकता था, और ये आविष्कार आज से हजारों साल पहले हुआ था। उस वक्त रोमन साम्राज्य का शासन था, वही उसके राजा टेबेरियस थे। एक बार राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया। उसने राजा को एक कांच का कटोरा उपहार में दिया। उस व्यक्ति ने कहा कि ये कांच सबसे दुर्लभ है, ये कभी नहीं टूट सकता। राजा ने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी।
उसने अपने दरबारियों को कांच के कटोरे पर हथौड़ा मारने के लिए कहा। वही कई चोट के बाद भी वो कटोरा टूटा नहीं, बस थोड़ा दब गया था। तो उस व्यक्ति ने अपने झोले से एक छोटा सा हथौड़ा निकाला और उस कटोरे को फिर से उसी आकार में ला दिया। ये देखकर राजा हैरान हो गया। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा, इस कला को और कौन जानता है? तो वो व्यक्ति बोला, ये उसी का आविष्कार है, ये कला उसके अलावा कोई नहीं जान सकता। ये सुनकर राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को उस व्यक्ति को पकड़कर जेल में डालने का आदेश दे दिया और मौत की सजा सुना दी। राजा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे डर था कि कहीं इस कांच के कारण सोने चांदी की कीमत घट नहीं जाए। क्लाउड बस्टर्स। दोस्तों, 1951 में ऑस्ट्रेलिया के मोनो विलियम रिच ने एक ऐसी तकनीक का विकास किया था जिससे बिना मौसम के ही बारिश की जा सकती थी। इसे क्लाउड बस्टर नाम दिया था। विलियम ने कहा था कि उन्होंने वातावरण में ऐसी एनर्जी की खोज की है जो बिना मौसम के बारिश करवा सकती है, जिसे वो ऑर्गन एनर्जी कहते थे। उन्होंने मशीनरी की सहायता से बारिश कराने की बात कही थी। बताया जाता है कि 1953 में सूखे के दौरान विलियम ने दो किसानों के कहने पर उसके खेत में बारिश करवाई थी। उन दोनों किसानों का कहना था कि अगर वो बारिश करवा देंगे तो उनकी फसल खराब होने से बच जाएगी। रिच ने सुबह इस मशीन को चलाया और शाम तक बारिश हो गई। रिच के आविष्कार विज्ञान के लिए किसी वरदान से कम नहीं था, लेकिन रिच की ये मशीन फिर कभी काम में नहीं ली गई। दरअसल इस घटना के बाद रिच के आविष्कारों को गैर कानूनी ठहरा दिया गया और उन्हें जेल की सजा सुना दी गई। वह रिच अपने जीवन के अंतिम समय तक जेल में ही रहे और उनकी वही मौत हो गई। रिच की ये मशीन बिना किसी कारण के नष्ट भी कर दी गई, लेकिन उसके कुछ अवशेष आज भी अमेरिका में मौजूद हैं। डेथ रे। निकोला टेस्ला अपने जमाने के महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे। उनके आविष्कार अपने समय से कहीं आगे थे। उन्होंने कई आविष्कार ऐसे किए जो आज भी मानव जाति के काम आ रहे हैं, और उनके कई आविष्कार ऐसे थे जो उनके साथ ही लुप्त हो गए या फिर दबा दिए गए। कहा जाता है कि 1930 में पार्टिकल बीम वेपन का आविष्कार किया था, जिसे डेथ रे के नाम से भी जाना जाता है। यह हथियार 10,000 एयरक्राफ्ट को 250 मील की दूरी पर एक साथ मार गिरा सकता था। यह हथियार इतना शक्तिशाली था कि ये जिसके पास हो वो बिल्कुल अजेय होगा। लेकिन कहा जाता है कि डेथ रे निकोला थियोरी पर कभी नहीं बनाया गया, क्योंकि जो धनराशि इसके लिए चाहिए थी वो उन्हें कभी नहीं मिल पाई। उस समय लोगों का मानना था कि इस तरह का हथियार बनाना संभव नहीं है, इसलिए किसी भी कंपनी और किसी भी देश ने इनके इस प्रोजेक्ट पर पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं हुए, और ये आविष्कार उनकी मौत के बाद लुप्त हो गया। दोस्तों, ये थे वो आविष्कार जो दुनिया के सामने आने से पहले ही खो गए। अगर ये आविष्कार आज हमारे सामने होते तो दुनिया की ना जाने कितनी ही चीजें बदल जाती।